हिमाचल प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विली पार्क में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि विधायक दल ने आपदा में मृत लोगों को लेकर एक शोक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव ने प्रदेश में आई आपदा को अति दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया, साथ ही बैठक में 2 मिनट का मौन भी रखा। रणधीर शर्मा ने कहा कि बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है और जिस प्रकार से कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने जयराम ठाकुर की भाजपा सरकार के समय के सभी जनकल्याणकारी फैसलों को पलटने का काम किया है, यह प्रदेश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार एक के बाद एक जनविरोधी फैसले ले रही है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पर शुल्क लगाना, बिजली के दाम बढ़ाना, 125 यूनिट बिजली मुफ्त हटाना, हिमकेयर योजना से जनता को बाहर करना, HRTC में यात्रा को महंगा करना, महिलाओं को दी गई सुविधाओं को वापस लेना। उन्होंने कहा इससे पता लगता है कि ये सरकार जन विरोधी है। इसको लेकर भाजपा विधायक दल विधानसभा सत्र के दौरान भी कांग्रेस पर आक्रामक होगा।